हे एवरीवन, तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताई थी, तो जो सारे स्टूडेंट्स अभी अभी अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ था, और वो था लॉयर चेंबर प्लेसमेंट। मतलब जो ऑनलाइन लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये एग्ज़ाम देने के बाद जो स्कोर आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा किसी सीनियर एडवोकेट के चेंबर में। और जो सारे एडवोकेट्स उनके 15 साल से 20 साल तक का एक्सपीरियंस हो गए हैं उनके चेंबर में। ये तो आपके लिए एक सबसे बड़ा गुड न्यूज़ था ही, क्योंकि जो सारे लॉ ग्रेजुएट्स उनके लीगल फील्ड में कोई सोर्सेज नहीं है, और वो लोग लीगल कामकाज सीखने के लिए इंटरेस्टेड थे, और स्पेशली जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ था। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एफिडेविट बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल किए थे, वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स बताया गया था। और इसके साथ ही स्टेट लीगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया था। तो ये तो मैं पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ डिटेल्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो सारे लॉ स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं और उनका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो गया है, ठीक है, और वो लोग इस साल एलिजिबल हो जाते हैं बार काउंसिल का जो AIB एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये देने के लिए। तो उनके लिए स्पेशली आज का वीडियो है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास एक एफिडेविट जो सबमिट किए थे, वहाँ पर बताया गया है 15 दिन के अंदर अंदर जो AIB 17 होने वाला है उसका जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, और 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम लिया जाएगा, और 15 दिन के अंदर अंदर जो न्यू सिलेबस होगा, या फिर मतलब कौन सा एरिया से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसको रिवील किया जाएगा। तो मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, नवंबर से पहले आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो AIB 15 था और जो AIB 16 था, इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। और AIB 16 जब हुआ था, वहाँ पर एक इशू हुआ, मतलब जो सारे बेरैक्स में नोट्स होता है और कमेंट्स होते हैं उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया था। बट AIB 16 में तो नोट्स वाला जो बेरैक्स होते हैं उनको अलाउ कर दिया गया था, और AIB 17 में ये रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब नोट्स वाला बेरैक्स को अलाउ किया जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बारे में कुछ क्लियरली अभी तक बताया नहीं गया है। तो आपका ये सारा जो डाउट्स है, मुझे लगता है जो 15 दिन के अंदर अंदर जो सिलेबस ये लोग रिवील करने के लिए बोले हैं वहाँ पर क्लियर कर दिया जाए, और जब भी ये लोग कोई डिटेल्स देंगे तुरंत वीडियो बना करके मैं आपको अपडेट दे दूँगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो लोग AIB 17 देने जा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ बता देती हूँ, आप अभी से जो बेयर एक्ट्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चालू कर दीजिए, स्पेशली हर एक बेयर एक्ट्स के जो इंडेक्स है वहीं से पढ़ना चालू कीजिएगा, ठीक है। और ये करने से आपका मतलब दिमाग में घुस जाएगा कौन सा चीज़ कौन सा सेक्शन पर बताया गया है, ताकि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रोविजन बताया गया है, आप तुरंत वहाँ पर जाइएगा और ढूंढिएगा कौन सा एरिया से मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपका मतलब दिमाग में रजिस्टर हो जाए। तो आप अभी से इंडेक्स पकड़ करके प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। और दूसरा पॉइंट जो बताना चाहूंगी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए सिर्फ 40 मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, वहां से आपको 40 क्वेश्चंस करेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और इसीलिए आप 100 जो क्वेश्चंस होता है सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। हैविंग सेड दैट, बट ये जो नेगेटिव मार्किंग का जो कंसेप्ट है AIB 16 तक नहीं था, AIB 17 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा या नहीं जाएगा ये तो 15 दिन में ही आपको पता चल जाएगा। तो मैं कहूंगी बेयर एक्ट्स को पकड़ करके प्रिपरेशन चालू रखें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, AIB जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, यहाँ पर सिर्फ पास और फेल लिखा जाता है, ठीक है, मतलब आपको कितना मार्क्स मिला है, 40, 80, 60, 50, कुछ भी ऐसा लिखा नहीं रहता है, सिर्फ पास और फेल लिखा रहता है। तो आप ट्राई कीजिएगा जहाँ पर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, अब उस क्वेश्चन को पहले टारगेट करके खत्म कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं और एक जो टिप्स आपको देना चाहूंगी, आप केस लॉ के लिए एक सेपरेट कॉपी बनाइए, वहां पर पूरा लिखिए जो सारे इमिनेंट जजमेंट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, वो सारे केस लॉस के लिए आप एक सेपरेट कॉपी बनाइए और वहीं से प्रिपरेशन कीजिए, और ये करने से आपका जो पास मार्क्स है ये आसानी से उठ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एक और क्वेश्चन रहा, दैट प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को कितना दिन मिलेगा, तो आपका प्रिपरेशन के लिए 2 महीना और 2.5 मंथ्स तो आसानी से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यही अपडेट आपको देना था, और जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस ये लोग रिवील कर देंगे, मैं डिटेल में एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगी आपको कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो अपडेट आपको दी, 3 महीने के अंदर एग्जाम होने वाला है और 15 दिन के अंदर अंदर ये लोग न्यू जो पैटर्न है क्या सिलेबस होगा ये पब्लिश करने वाले हैं। तो ये न्यूज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। तो यही था इस वीडियो में, और भी ज्यादा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।